अब आगे पढ़ेंगे। देखिए ये सब बता चुके हैं, वैसे फिर से बता रहे हैं आप लोगों को। ठीक, अब मेल सेक्सुअल पार्ट बता रहे हैं, किसका? प्लांट का। किसका बता रहे हैं? मेल का सेक्सुअल पार्ट प्लांट का बता रहे हैं, पौधा का जो है प्लांट्स का बता रहे हैं। ठीक, अब देखिए ये सब तो बताए होंगे आप लोग को। ये क्या है? स्टिग्मा, ये स्टाइल, ये है ओवरी। ठीक, ये क्या है? पेटल है। तो ये क्या है? थैलेमस। थैलेमस था ये थैलेमस था, ये था पेटल, ये था स्टिग्मा स्टाइल। ठीक, और ये क्या था? ये फिलामेंट, ये था एंथर। ठीक, तो हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके बारे में मेल पार्ट तो यही होता है, हम बता चुके हैं। क्या यही तो होता है ना मेल पार्ट, जो कि यहाँ फिगर में बनाया है। मेल पार्ट किसका? ये हुआ फिलामेंट। फिलामेंट और एंथर दोनों को मिला क्या बोलते हैं? दोनों को मिला बोलते हैं स्टामेन बोलते हैं, या पुंकेसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोनों को मिला के? स्टामेन या पुंकेसर। ठीक, देखिए तो इसी के बारे में आज बताने वाले हैं। सिर्फ मेल पार्ट, किसका मेल? प्लांट का मेल सेक्सुअल पार्ट बता रहे हैं। तो देखिए प्लांट का मेल सेक्सुअल पार्ट जो है, नर वाला पार्ट जो है, जो मेल है, यही है। इसको काट के हटा दीजिए। ठीक, इसको लीजिए, किसी एक को ले लीजिए। ठीक है ना, हम किसी एक को पढ़ रहे हैं। तो इस पार्ट को हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या? फिलामेंट और एंथर के बारे में। तो इसमें क्या क्या होता है अभी जानेंगे कि भाई एंथर में और क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है। ठीक, उसके बारे में अभी जानने वाले हैं। देखिए तो ये जो है यहाँ लिखे हैं। ठीक, देखिए एंड्रोसियम पता है। एंड्रोसियम किसको बोलते हैं? पुमंग, किसका? मेल का पार्ट है। तो एंड्रोसियम कैसे बनता है? ग्रुप ऑफ स्टामेन, मतलब स्टामेन पुंकेसर का ग्रुप जो है ना, जैसे ये देखिए पुंकेसर कौन हुआ? ग्रुप ऑफ स्टामेन, ग्रुप ऑफ स्टामेन मतलब पुंकेसर का ग्रुप। पुंकेसर किस किसको बोलते हैं? या तो पुतंतु बोलते हैं, या तंतु बोलते हैं, डंठल बोलते हैं। ठीक, तो ये जो है पुतंतु और एंथर प्राकोष, ये दोनों को मिला क्या बोलते हैं? एंथर, एंथर प्लस फिलामेंट। फिलामेंट दोनों को क्या बोलते हैं? इन दोनों को बोलते हैं स्टामेन, स्टामेन या पुंकेसर बोलते हैं। ठीक, तो वही लिखा हुआ है, ग्रुप ऑफ स्टामेन। ठीक, या पुंकेसर का ग्रुप क्या कहलाता है? एंड्रोसियम में पुमंग कहलाता है। अब देखिए क्या पढ़ने वाले, वही बात बार बार लिखा हुआ है कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाता है कौन? एंड्रोसियम बनाता है कि नहीं? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाता है कौन? बनाता है एंड्रोसियम, बनाता है। तो एंड्रोसियम सब आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है स्टामेन। स्टामेन का एक और नाम, दूसरा नाम बहुत लिखा हुआ बुक में, कभी कभी बोलेगा पोलन ग्रेन, कभी बोलेगा माइक्रोस्पोंजियम। ठीक, तो अब देखिए क्या है स्टामेन। स्टामेन का एक और नाम क्या है? इसका हिंदी लिखा हुआ है माइक्रोस्पोरोफिल, या हिंदी में क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु पर्ण। देखिए बुक में जो हिंदी मीडियम वाला बुक है ना, ये सब चीज़ लिखा रहता है, खास करके पता ही नहीं चलेगा क्या बोल रहा है। तो स्टामेन का ही दूसरा नाम क्या है? लघु बीजाणु पर्ण, या बोलते हैं माइक्रोस्पोरोफिल, या बोलते हैं पुंकेसर। ठीक, इसका हिंदी ये हुआ। अब देखिए पोलन सेक, स्टामेन तो पता है भाई किसको बोलते हैं, पोलन सेक किसको बोलते हैं? पोलन सेक जो होता है जहाँ पर एंथर पाया जाता है, एंथर किसमें पाया जा रहा है? देखिए ये क्या है? एंथर है कि नहीं? प्राग, इसको बोलते हैं प्राग कोष। प्राग मैंने होता है प्राकन। ठीक, और कोष मतलब होता है जगह, स्थान। तो जहाँ पे प्राकन रहता है उसी को बोलते हैं क्या? प्राग कोष बोलते हैं। जैसे बोलते थे वहाँ मेल में, जो ह्यूमन के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वृषणधानी या वृषण कोष बोलते थे। वृषण कोष, वृषण मैंने वृषण, और कोष मैंने स्थान होता है, जहाँ वृषण होता है वहाँ उसी को बोलते हैं क्या? वृषण कोष बोलते हैं, वृषणधानी बोलते हैं। तो ये इसका क्या होता है? एंथर हिंदी इंग्लिश हो रहा है। अब देखिए ये जो होता है, ये एंथर में ही ये दो लोब दिख रहा है, दो लोब टाइप का दिख रहा है। ठीक, तो ये दो लोब जो है, ठीक, तो इसी लोब में पाया जाता है, पता है क्या? इसी लोब में प्राकन पाया जाता है। इसी लोब में क्या पाया जाता है? प्राकन पाया जाता है। और इसी के अंदर क्या होता है? ये पोलन सेक, पोलन सेक इसी के अंदर होता है। इस तरह का कोई और कलर, कलर से दे दीजिए। इसके अंदर ही पोलन सेक होता है, मान लीजिए कोई भी कलर होगा पोलन सेक। ठीक, या क्या बोलते हैं? प्राग धानी, प्राग जिसमें धानी मैंने जगह वही हुआ, प्राग मैंने प्राकन, प्राग धानी जहाँ पे प्राकन हो रहता है उसी को प्राग धानी बोल रहे हैं। ठीक, तो एक और नाम क्या है इसका? माइक्रोस्पोरेंजियम।
क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम या लघु बीजाणु धानी। देखिए लघु बीजाणु धानी वही है जिसमें पोलन ग्रेन, लघु बीजाणु किसको बोलते हैं, पोलन ग्रेन को बोल रहे हैं, परागकण को बोल रहे हैं लघु बीजाणु, ठीक है, धानी माने स्थान, लघु बीजाणु धानी जहाँ पे परागकण रहता है उसी को लघु बीजाणु धानी बोलते हैं या माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं या पोलन सैक बोलते हैं। बहुत सारा नाम है, इस नाम को बार बार देखना है क्योंकि यही नाम बहुत आता है कि बोलता है लघु बीजाणु धानी का वर्णन कीजिए क्या है, ठीक ना, तो इसका नाम पता होना चाहिए, बोर्ड में खास करके आता है यहाँ से क्वेश्चन, ठीक। देखिए या तो इसके बारे में बोल देगा या तो इसके बारे में बोल देगा, कोई चीज़ मतलब पता होना चाहिए भाई, लघु बीजाणु पर्ण या लघु क्या होता है, स्टामिन एक ही होता है कि अदर कोई चीज़ होता है, नहीं एक ही चीज़ होता है। दूसरा क्या है, आया समझ पोलन सैक, पोलन सैक समझ में आया क्या होता है, एंथर के ही अंदर पाया जाता है पोलन सैक, समझ लीजिए, तो पोलन सैक के ये क्या है, पोलन ग्रेन है, तो पोलन ग्रेन के जस्ट अंदर क्या हो, कौन सा लेयर होगा, पोलन सैक। अब एंथर किसको बोल रहे हैं, एंथर पूरा चीज़ को पूरा मिला के बोल रहे हैं, इसमें लोब जो है, लोब दोनों लोब को बोल रहे हैं, ठीक, तो लोब कितना है इसमें, दो लोब है, देख लीजिए, तो एंथर जो है, एंथर देखिए, अब एंथर भी लोब भी दो टाइप से होता है, यदि कोई पराग कोष में या कोई एंथर में क्या होगा, टू एंथर लोब होगा, देखिए टू मैंने दो, एंथर लोब, एंथर मैंने ये हुआ एंथर, ठीक, और लोब माने जगह वही हुआ, तो ये दो अंतर इसमें है कि नहीं बताइए, दो अंतर है, एक ये अंतर है, एक ये अंतर, दो लोब है कि नहीं, अरे दो लोब है कि नहीं, दो लोब हैं, कौन कौन देख लीजिए, ये एक ये एक ये, एक ये लोब एक ये लोब, दो लोब है, तो टू एंथर लोब होगा मतलब दो को एंथर लोब है, ठीक, तो क्या कहलाएगा, डायथीकस, डाय माने दो, दो का दो जगह होगा तो उसी को बोलते हैं, दो एंथर लोब होगा उसी को वो क्या बोलेंगे, डायथीकस बोलेंगे, ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ था पहले से, रोक के देख लीजिएगा, डायथीकस। यदि किसी में वन एंथर लोब होगा, मान लीजिए किसी में एक ही लोब होगा, ये एंथर का एक ही लोब होगा मात्र, ये एक लोब है मान लीजिए, तो क्या बोलेंगे, वन एंथर लोब होगा तो क्या कहलाएगा, मोनोथीकस, मोनो माने एक होता है, ठीक, तो एग्जाम्पल उसका होता है क्या, चाइना रोज है ना, चाइना रोज, चाइना जैसे गुलाब जो होता है, ठीक, उसमें होता है वन एंथर लोब होता है, ठीक, बस इतना ही पढ़ना था आज, तो ये पता होना चाहिए भाई, फिलामेंट इसके सबसे नीचे क्या होता है, ये प्रॉक्सिमल एंड होता है, इसका हिंदी होता है दूरस्थ, नहीं इसका हिंदी होता है पास, पास का भाग, सीधा समझ लीजिए, बहुत अच्छा हिंदी जानना चाहते हैं, पास समझना चाहते हैं हिंदी, तो पास का भाग हो गया। देखिए प्रॉक्सिमल मतलब क्या, प्रॉक्सिमल में पास होता है, क्यों, किसका पास होता है, जो यहाँ पे तोड़े जो है इसको जो तोड़ेंगे, किसको, ये स्टामिन को जो तोड़ेंगे, स्टामिन को जो तोड़ेंगे तो यहाँ से तोड़ेंगे, यहाँ से तोड़ेंगे तो यहाँ टूटा हुआ कुछ भाग दिखे ना मोटा टाप का, तो मोटा टाप क्या कहलाता है, वही मोटा, जहाँ किसके पास होता है, ये मान लीजिए ओवरी के पास होगा, एंथर वहीं से तो निकलेगा, या तो बोल सकते हैं स्टाइल से निकलता है, तो स्टाइल से जो निकलेगा वो जो तोड़ेंगे तो मोटा भाग निकलेगा, उसी को बोलते हैं प्रॉक्सिमल या पास का भाग, किसका पास, ये स्टाइल से जो टूटा हुआ है उसी को बोलते हैं पास का भाग, ठीक, क्या हुआ, प्रॉक्सिमल एंड। अब देखिए सबसे नीचे में क्या लिखा हुआ है, जब दो एंथर लोब, देखिए एक दो लोब हो गया, जब दो एंथर लोब रहेगा कोई भी एंथर में, ठीक, तो क्या कहलाएगा, डायथीकस कहलाएगा, ठीक, जब डायथीकस कहलाएगा, देखिए दो एंथर लोब है, डायथीकस कहलाया, उसको क्या बोलते हैं, टेट्रागोनल, टेट्रा माने चार होता है भाई, टेट्रा माने क्या होता है, चार स्पेस पाया जाता है। देखिए होता क्या है, ये एंथर लोब है, अभी जब इसका एंथर का टीएस बताएंगे ना, जब एंथर को काटेंगे तब उसमें सही से समझ में आएगा कि भाई एंथर में टेट्रागोनल क्यों बोल रहे हैं डायथीकस को। होता क्या है, देखिए इस तरह का कुछ लोब होता है, ये एंथर दोनों को जब जूम किए हैं तो इस तरह का होता है, ठीक, जब इसको एंथर को जब काटे हैं टीएस इस तरह से काटे हैं, ठीक, ट्रांसवर्स सेक्शन बोलते हैं जिसको, तो क्या होगा, एक थीकस, दो थीकस, तीन, एक, चार हो गया, इसलिए बोलते हैं जब डायथीकस रहे, मतलब जब दो एंथर लोब रहे, देखिए दो एंथर लोब रहे, एक दो, तो जब दो एंथर लोब रहे तो क्या बोलेंगे, टेट्रागोनल, इसको जब जूम कीजिएगा ना सही से तो इस तरह का निकलेगा आपको पार्ट, इस तरह का दिखाई देगा आपको,
इसलिए बोलते हैं टेट्रा माने चार, टेट्रा गोनाल बोलते हैं। ठीक, जब टेट्रा गोनाल होगा तो टेट्रा स्पोरेंजियम होगा, समझ में आया। जब टेट्रा गोनाल होगा टेट्रा स्पोरेंजियम, क्योंकि इसी में तो क्या पाया जाता है, प्राकन पाया जाता है, और प्राकन के जस्ट अंदर आंतरिक लेयर क्या बोलते हैं, या सीधा बोल सकते हैं इस लेयर के आंतरिक क्या पाया जाता है, ये क्या पाया जाता है, पोलन सेक या माइक्रो स्पोरेंजियम बोल सकते हैं। ठीक, ये जो है चारों बगल जो होता है लेयर बोल सकते हैं ना, पोलन सेक क्यों बोल, क्योंकि पोलन इसी में तो रहता है, या क्या बोलते हैं प्रागधानी, या बोलते हैं लघु बीजाणु धानी, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं माइक्रो स्पोरेंजियम। वही वही ये नाम आया है कहाँ से, स्पोरेंजियम, टेट्रा स्पोरेंजियम, टेट्रा माने चार स्पोरेंजियम, चार, एक दो तीन चार स्पोरेंजियम, समझ में आया कि नहीं बताइए, बस इतना ही था। जब इसका अभी टीएस काट के बताएंगे ना तब समझ में आएगा भाई सही बात है कि क्या होता है, टेट्रा गोनाल होता है। जब कोई एंथर दो एंथर लोब रखेगा, या सीधा बोल सकते हैं कोई स्टामेन दो एंथर लोब रखेगा, तो दो एंथर लोब रखेगा तो क्या बोलेंगे, डायथिकस, डाय माने दो, दो जगह होगा। जब वन एंथर लोब होगा, देखिए डायथिकस जितना भी फ्लावर होता है ना सब डायथिकस ही होता है, उसमें दो एंथर लोब पाया जाता है, लेकिन एक ऐसा एक्सेप्शन है कि वन एंथर लोब किस में पाया जाता है, चाइना रोज में पाया था, चाइना रोज में, तो उसको क्या बोलेंगे, वन एंथर लोब होगा तो मोनोथिकस होगा। देखिए ये कोई बोर्ड के लिए भी है, ठीक, कोई कंपटीशन के भी लिए भी है, जब ऐसा क्वेश्चन आता है कंपटीशन में यहाँ से, ये स्टार पॉइंट यहाँ से, ठीक, टू एंथर लोब को क्या कहते हैं, ठीक, या डायथिकस क्या कहलाता है, टू एंथर लोब कहलाता है, मोनोथिकस क्या कहलाता है, वन एंथर लोब कहलाता है। ठीक, बस इतना ही है, आगे पढ़ेंगे।